हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद रखता हूं कि दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियोज क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे और आप हमारा सहयोग करेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था। आखिर धर्म सुधार आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, धर्म सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास में कई बार हुए हैं। पहला छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन तब हुआ जब वैदिक यज्ञ कर्मकांड बहुत ही आडंबरपूर्ण महंगे हो गए। यज्ञ महंगे व वाह आडंबर पूर्ण हो गए। तब यह आंदोलन हुआ। इसमें दो धर्मों का उदय हुआ, जैन और दूसरा बौद्ध। इन दो धर्मों का उदय हुआ। जब समाज में पतन प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, और जो सुधार की प्रक्रिया है यही बनाती है धर्म को अलग स्वरूप में लाती है। जिसमें आपको बता दें, इन सब चीजों का शुरुआत हुआ, और इनमें यज्ञ, बलि, वर्ण व्यवस्था, इन सभी चीजों का विरोध प्रारंभ हुआ। इन सभी चीजों का विरोध प्रारंभ हुआ क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करना चाहता था। दूसरा आंदोलन हुआ 14वीं शताब्दी ईस्वी में, जिसमें निर्गुण ब्रह्म, जाति व्यवस्था, कर्म कांड, इन सभी चीजों का क्या हुआ, विरोध प्रारंभ हुआ। इन समस्त चीजों के विरोध के परिणाम स्वरूप ही यह व्यवस्था शुरू हुई। अब इसी कड़ी में अगला एक समाज सुधार आंदोलन हुआ, वह हुआ 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में एक पुनः धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जिसमें आपको बता दें राजा राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद जैसे विद्वानों का जन्म हुआ, और इन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया। और यह जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की तरह ही 18वीं शताब्दी में एक आंदोलन हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। राष्ट्रवाद का जन्म होता है। राष्ट्रवाद का क्या होता है, जन्म होता है भारत में, राष्ट्रवाद का जन्म होता है। ये एक आंदोलन था। अब हम लोग बात करते हैं जो विधिवत आंदोलन शुरू हुआ छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धर्म सुधार आंदोलन। ब्राह्मण धर्म की यागी क्रियाओं, यह आंदोलन मैंने पहले ही बता दिया था क्यों शुरू हुआ। ब्राह्मण धर्म की यागी क्रियाओं एवं प्रवृत्ति मूलक धार्मिक परंपराओं के माध्यम से समाज जन्मगत विशेषताओं एवं अन्यान्य रूढ़ी परंपराओं का शिकार हो गया था।
इसी से असंतुष्ट कुछ चिंतकों ने चिंतन मनन के माध्यम से अरण्य में जाकर साहित्य का विकास किया, और इसका अगला चरण बुद्धि आधारित ज्ञान परक दृष्टिकोण का विकास है, जिसने यज्ञ को फूटी हुई नौका करार दिया, जिसके माध्यम से भवसागर नहीं पार किया जा सकता है। इसने सृष्टि की उत्पत्ति, मानव जीवन का उद्देश्य एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग का विकल्प प्रस्तुत किया, किंतु संस्कृति आधारित सूक्ष्म ज्ञान को वैदिक साहित्य की ही एक प्रगतिशील व्याख्या थी, सामान्य लोगों को आकर्षित नहीं कर सकी, और इसके समानांतर बढ़ती सामाजिक जटिलताओं को सूत्र साहित्य के माध्यम से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि विशेषाधिकार एवं अधिकार शून्यता पर टिका सामाजिक संबंध स्थायी बना रहे। आपको बता दें, जब जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इन्होंने सामाजिक परंपराओं की इन समस्त विडंबनाओं को एक टूटी फूटी नौका करा दिया, और यह कभी भी किसी व्यक्ति को सामाजिक बंधनों और दुर्गुणों के बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह खुद भवसागर को पार कराने में असमर्थ नौका प्रतीत हो रही थी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मानव की संक्रियाओं का विकास होना शुरू हुआ, और परिणाम स्वरूप लोगों ने जैन और बौद्ध धर्म के विचारों को सुना और ग्रहण करने का प्रयास भी किया। ताकि विशेषाधिकार एवं अधिकार शून्यता पर टिका सामाजिक बंधन स्थायी बना रहे, किंतु इस बीच आर्थिक जगत में कृषि, शिल्प, व्यापार आदि के विकास ने जनसंख्या में नगरीकरण का विकास, मुद्रा व्यवस्था का आरंभ आदि को जन्म दिया, जिससे समाज में कुछ ऐसे वर्ग उभर कर सामने आए जो आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न थे, किंतु उनका सामाजिक राजनीतिक दर्जा महत्वहीन था, क्योंकि ऐसे धर्म पर टिका था जो न सिर्फ इनके उत्पादन का उपभोग करता था, वरन उत्पादन के मार्ग में भी कभी पशु बलि तो कभी ऋण व्यवस्था की निंदा एवं समुद्री व्यापार पर रोक लगाकर व्यवधान पैदा कर रहा था। आपको बता दें, प्राचीन कालीन जो वैदिक समाज था, ये समुद्र को छूने वाले व्यक्तियों को हमेशा तुच्छ मानता था। ऐसी परिस्थिति में मानवीय संवेदनाओं की व्याख्या को लेकर के जब धर्मों में, क्योंकि आपको बता दें कि एक ऐसा वर्ग इस समय 6ठी शताब्दी में उदित हुआ जो व्यापार वाणिज्य की दिशा में तो महत्वपूर्ण था, किंतु व्यापार वाणिज्य को लेकर के उसमें शून्यहीनता को लेकर, जैसे मान लीजिए कि उस समय पशुबलि की यह निंदा करता था और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समुद्र की यात्रा करना चाहता था, जिस पर यह व्यवस्था पूर्णतः रोक लगा रही थी। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां उभरता हुआ शिल्पी व्यापारी वर्ग, गृहपति वर्ग असंतुष्ट था, वहीं दूसरी तरफ राजा भी निरंतर ब्राह्मण परंपराओं के शिकंजे से मुक्त होना चाहता था। आप बताए, राजा भी इससे मुक्त होना चाहता था, क्योंकि एक ओर जहां उन्हें ब्राह्मण को कर मुक्त करना पड़ा था, दूसरी तरफ उन्हें अधिशेष में हिस्सा देना पड़ता था, न्यायिक छूट देनी पड़ती थी, श्रेष्ठ वहदा आदि देना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण व्यवस्थाकार एवं विधि निर्माता की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि धर्म न्याय का स्रोत समझा जाता था और ब्राह्मण इसके अगुआ थे। इसके अलावा राजा की दृष्टि में जन स्वीकृति के एकमात्र सैद्धांतिक अवलंब को कमजोर करने पर भी रही थी। पुनः उत्पादन की वृद्धि से राजस्व के अतिरिक्त स्रोत के विकास को भी राजा समझ रहा होगा। इन सब के अतिरिक्त शूद्र एवं महिला ब्राह्मण व्यवस्था के तहत पूर्णतः वंचित थे। आपको बता दें, यह जो वर्ग था, इस वर्ग के माध्यम से जो महिला और आपका शूद्र था, वह इन समस्त पहलुओं से
पूर्णतः वंचित था और वंचित होने के कारण उसकी कोई भी न्यायिक अधिकार नहीं रह गए थे। इस स्थिति में महिला ब्राह्मण व्यवस्था के तहत पूर्णतः वंचित थे। कुछ लोग भोगवाद से ऊब कर सहज जीवन शैली की ओर मोह भाव से देख रहे थे। इसी संदर्भ में भौतिकवादी धार्मिक संप्रदाय उभर कर आए, जिनमें से कुछ यादृच्छावादी, अनास्थावादी, नियतिवादी थे, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते थे एवं कर्म, पुनर्जन्म एवं ईश्वर जैसी किसी मान्यता को अस्वीकार करते थे। ऐसे ही जैन और धर्म थे, जैन और बौद्ध धर्म थे। इस तरह के अनेक धार्मिक संप्रदाय उभर कर आए जो ब्राह्मण परंपरा से बिलग नास्तिकवादी दृष्टिकोण के थे। अब आप सोचते होंगे, नास्तिकवाद किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति वेद, पुराण, अन्य प्राचीन मान्यताओं को न मानता हो, उसी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है नास्तिकवाद। क्या कहा जाता है? नास्तिकवाद। निघंटनाथ पुत्र, यह जैन आंदोलन के प्रवर्तक महावीर का नाम था। आपको बता दें, इसी समय निघंटनाथ पुत्र एक नाम का यह व्यक्ति उभर कर सामने आया, जिसमें उनका नाम ही बताया गया है। यह महावीर स्वामी का नाम था, महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। पूरन कश्यप, ये अक्रियावादी अथवा अकर्म के प्रचारक थे, यानी मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है, उनका पूर्व जन्म में ही कोई विश्वास नहीं था। सुमंगल विलासिनी के अनुसार एक दास पुत्र थे तथा रावती के नजदीक इन्होंने जल समाधि ली थी। आगे चलकर इनके संप्रदाय का नाम, इनके संप्रदाय का मखली गोसाल के संप्रदाय में विलय हो गया था। मखली गोसाल, इन्हें नियतिवादी कहा जाता है। पहले यह 6 वर्षों तक महावीर के साथ रहे, बाद में आजीवक नाम का स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचारित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बिंदुसार के ने इस धर्म को संरक्षण दिया तथा अशोक व दशरथ ने गुफाएं प्रदान की थी। अजित केश कंबलिन, ये उच्छेदवादी निहिलिस्ट कहलाए। ये संभवतः भारत के पहले भौतिकवादी चिंतक थे। इनका मानना था कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। मनुष्य के बाद सब कुछ, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतः जो इच्छा है वही करो। आगे चलकर इससे लोकायत दर्शन प्रतिपादित चार्वाक का विकास हुआ। फुकुद कच्चायन, इन्हें नियतिवादी कहा जाता है। इन्होंने 7 तत्वों को नियति बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। ये तत्व न तो पैदा किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। अतः न तो संसार में कोई किसी को मारता है और न ही कोई किसी और न ही कोई मारा जाता है। इससे परवर्ती वैशिक दर्शन का उद्गम माना जा सकता है। बाद में इसे धर्म अनुयायी मखली गोसाल के संप्रदाय से जुड़ गए थे। संजय बिष्टलीपुत्र, ये अनिश्चयवादी, या ये संजय बिष्टलीपुत्र, ये अनिश्चयवादी या संदेहवादी थे। इनका मानना था कि न तो यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग ना नरक है या फिर नहीं है। इन्होंने न तो किसी मत को स्वीकार किया और न ही किसी मत का खंडन किया, और सीधे के सीधे संजय बिष्टलीपुत्र ने इन सबको अपना लिया। अब हम बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन संप्रदायों का जन्म हुआ,
वे संप्रदाय कौन कौन से थे, उन संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे। लोकायत संप्रदाय, आपको बता दें लोकायत संप्रदाय इसका प्रतिपादक चार्वाक को माना जाता है। भारतीय दर्शन में ये जो आपको बता दें इसका प्रतिपादक जो है चार्वाक को माना जाता है, भौतिकवादी था। इसकी पुस्तक थी बृहस्पति सूत्र। अगर आपसे प्रश्न पूछता है बृहस्पति सूत्र को टीका मानकर किसने पुस्तक की रचना की, तो आप बताएंगे कि ये जो है चार्वाक ने किया था। चार्वाक के गुरु थे बृहस्पति। दर्शन इनका क्या था, प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। भौतिक तत्वों से बना शरीर मानव का एकमात्र सार है। राजा एकमात्र देवता है, मृत्यु एकमात्र अंत है। ऐद्रिक आनंद ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मृत्यु के बाद न तो स्वर्ग है और न नरक, इसलिए कर्म और पुनर्जन्म अपना अर्थ नहीं रखता है। इन सब के अतिरिक्त महाबोधि जातक में पांच प्रमुख दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख है, जिसमें पांच प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय थे अहेतुवाद, कुबेकवाद, उच्छेदवाद, ईश्वरकरणवाद और खत्तविज्जवाद। ये जो है एक अलग प्रकार के दर्शन थे। आप बता दें लोकायत संप्रदाय का जो प्रतिपादक था चार्वाक, यह मानता है कि समाज में न तो कोई मरता है न तो जीता है, समाज में जीना है तो आनंद के साथ जियो। यह कहता है कि ऋण लेकर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद यहां आना नहीं है कि किसी को कर्ज देना पड़ेगा, कर्ज ले लेकर घी पियो। ये इस तरह की बात चार्वाक करता है। जो संप्रदाय थे उनकी चर्चा करते हैं, कौन कौन से संप्रदाय थे और इन दर्शनों का क्या महत्व है। आपको बता दें जो भारतीय दर्शन थे, इन दर्शनों की अगर बात करें तो वेद को मान्यता देने वाले और वेद वेद मान्यता और वेद मान्यता के वेद को न मानने वाले, वेद विरोधी और वेदानुकूल, वेद को न मानने वाले ये थे और ये वेद को मान्यता देने वाले थे। ये नास्तिक थे और ये नास्तिक थे, विरोधी थे, वेद विरोधी थे चार्वाक, बौद्ध जैन। वेदानुकूल थे, वैदिक विचारों से उत्पन्न, लौकिक विचारों से उत्पन्न। इन्होंने कर्म कांड पर आधारित जीवन शैली को अपनाया, ज्ञान कांड पर आधारित जीवन शैली को अपनाया। दो पाठ हुए, मीमांसा और इसमें वेदांत, दो प्रकार के ग्रंथों का जन्म होता है। और यहाँ पर वेद को न मानने वाले इसमें नास्तिक और चार्वाक, दो प्रकार के दर्शन आए। नास्तिक और आस्तिक में यह बदल गया और इसमें नास्तिक और आस्तिक दो प्रकार का, आस्तिक में थे जैन, बौद्ध जैन, सभी वेदानुकूल, वेदानुकूलन दर्शन थे और ये चार्वाक था। अब बात करते हैं प्राचीन काल में भारत में खट दर्शन के नाम से छह दार्शनिक संप्रदाय प्रचलित हुए, जिनमें प्राचीन काल में भारत में छह दर्शन नाम से जुड़ी छह दार्शनिक संप्रदाय प्रचलित थे, जिसमें सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक जो है कपिल को माना जाता है। इनका ग्रंथ था सांख्य कारिका और ये ईश्वर इसके कृष्ण थे। यह दर्शन अद्वैतवादी है। इसमें प्रकृति रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का संयोग है। प्रकृति में तीन गुणों का संयोग है, जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसमें तीन प्रकार के गुणों का संयोग है। तथा पुरुष आत्मा नित्य सर्वव्यापी शुद्ध और चैतन्य है। नाम दो स्वतंत्र शक्तियों की सत्ता को स्वीकार किया गया। पुरुष नाम की दो स्वतंत्र शक्तियों को की सत्ता को स्वीकार कर दिया गया है, जिनके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार मोक्ष का अर्थ है सभी प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक से मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। योग दर्शन
इसका प्रवर्तक है पतंजलि है, जिनका ग्रंथ है योग सूत्र, इस दर्शन का मूल है। यह दर्शन सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। इस दर्शन में सांख्य द्वारा प्रतिपादित 25 तत्वों के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। इसी कारण कभी कभी योग को ईश्वर सांख्य की संज्ञा दी जाती है। योग दर्शन केवल प्राप्ति के लिए व्यवहारिक मार्ग का निर्देश करता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। अक्षपाद मूल ग्रंथ है इनका, गौतम कृत न्याय सूत्र। इस पर वात्स्यायन ने न्यायभाष नामक टीका लिखी है। यह दर्शन मुख्यतः बौद्धिक विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। इस दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। आपको बता दें, इस दर्शन में यह जो है बौद्धिक दर्शन जो है, इस दर्शन में जो है 14 प्रकार के 16 प्रकार पदार्थों का के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसमें सम्यक ज्ञान के द्वारा ही अपवर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस दर्शन से जुड़े अन्य दार्शनिक हैं उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन, जयंत आदि। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है कणाद। अन्य नाम है कणमुख, उलूक, कश्यप। प्रामाणिक ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन। टीकाकार हैं प्रशस्त पाद, पदार्थ धर्म संग्रह, उदयन और श्रीधर जो है इसमें इससे जुड़े हुए थे। यह एक प्रकार का परमाणु दर्शन है। वैशेषिक जो है परमाणु दर्शन माना जाता है वैशेषिक को। यह एक परमाणु दर्शन है। इसके अनुसार सभी कार्य द्रव्यों का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं पृथ्वी, जल, तेज, वायु से होता है। परमाणु निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें गति प्रदान करने वाली सत्ता ईश्वर की है। यह मत ईश्वर, आत्मा तथा कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। मीमांसा दर्शन, इसका प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। इसकी ग्रंथ का नाम था मीमांसा सूत्र। सबर स्वामी ने इस पर टीका लिखी है। अन्य दार्शनिक कुमारिल भट्ट प्रभाकर हैं। इस दर्शन का उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है। यह मत वेद को अपौरुषेय तथा नित्य मानता है। यह जो है मीमांसा दर्शन वेदों को अपौरुषेय मानता है। मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपासना, अर्थपात्य और अनुपलब्धि। उत्तर मीमांसा दर्शन, इसी को वेदांत कहा जाता है। इसके प्रवर्तक बादरायण हैं। इसकी पुस्तक का नाम है वेदांत सूत्र। मुख्य व्याख्याकार हैं इसके गौणपाद। इसकी 2 शाखाएं हैं, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया है शंकराचार्य ने, और ब्रह्म का विवेचन सगुण रूप में किया है रामानुजाचार्य ने। शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भागवत गीता पर टीकाएं लिखी, जो शंकर के वेदांत के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं जो भारत का मुख्य दर्शन है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न यूपीएससी में आते हैं। बौद्ध धर्म पर हम जो टीकाएं लिखेंगे वह इस प्रकार की हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वह इस प्रकार से है। इसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।